एक बार वृंदावन में भगवान दुर्वासा आए, तो कृष्ण भी उनको गुरु मानते थे। तो दुर्वासा ऋषि आए तो गोपियों ने सोचा हमारे कन्हैया के गुरुजी आए, इनको भोजन कराएं। 56 भोग बनाकर ले गई। अब यमुना जी पार करना था, नाव थी नहीं, डरते भी थे, जल्दी आना भी कैसे क्या करें। तो कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे, इस पार कन्हैया बैठ के बांसुरी, गुरुजी उस पार आश्रम कुटी बनाकर बैठे। कन्हैया से कहा, कन्हैया हमको यमुना जी से रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए। बोले कन्हैया से जैसे ही रास्ता मांगा, कन्हैया ने कह दिया कि जाओ यमुना से कह दो कि हमारा कन्हैया बाल ब्रह्मचारी हो तो हमको यमुना जी रास्ता दे दे। और हुआ वास्तव में ऐसा, जाके गोपियों ने कहा और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। बताओ सारी गोपियां माथा ठोकने लगी, हमारे साथ अटखेलियां करता है और रास महोत्सव मनाता है और फिर ये ब्रह्मचारी कैसे। पहुंच गए दुर्वासा ऋषि के पास। गए दुर्वासा ऋषि ने देखा कि गोपियां आई हैं, प्रसन्न हो गए, सबने पूजन किया, दुर्वासा जी का भोग लगाया। अब दुर्वासा जी तो न जाने कितने साल से तपस्या कर रहे थे, तपस्या करके फिर आए थे, इसलिए जैसे ही 56 भोग देखा तो थाली के थाले उठा उठा के और सारा भोग लगा लिया। गोपियां देखने लगी, गुरु जी थोड़ा प्रसाद तो हमारे लिए बचा दो, सब खा जाओगे क्या, न जाने बेचारे कब से भूखे थे। सारे जग का तो कल्याण करें। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव और महत्व का हम लोगों ने पूर्व में वर्णन किया। आठवां भगवान का ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में स्थित है महाराष्ट्र में। एक बार त्र्यंबक नाम के स्थान पर ब्रह्मगिरी पर अकाल पड़ गया और उसी स्थान पर पर्वत पर ऋषि गौतम रहते थे। बोलो गौतम महाराज की जय हो। तो गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से एक कुआं बनाया और उस तपस्या से भगवान वरुण का आवाहन किया तो उस कुएं में भगवान वरुण प्रादुर्भाव हो गए, उस कुएं में जल आ गया। जैसे आपके भरतकूप में है ना तीर्थ जल, ऐसे नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत पर अकाल पड़ने के कारण जब सब लोग प्यासे मरने लगे, पशु पक्षी जीव, तो गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या से कुआं बना दिया और उस कुएं में भगवान वरुण का आह्वान किया तो उसमें जल आ गया। अब हुआ ये कि सारे लोग उसमें जल पीने लगे, क्योंकि दूर दूर तक कोई जल का साधन नहीं, दूर दूर से ऋषि महर्षि उनकी पत्नियां और तो और पशु भी आकर उस कुएं का जल पीने लगे। तो गौतम ऋषि के कुछ शिष्य ऐसे थे जिनको ये अभिमान था कि देखो ये हमारे गुरुजी ने बनाया। तो हुआ ये कि एक बार गौतम ऋषि के कुछ शिष्य वहां जल भरने आए तो वहां ऋषियों की पत्नियां जल भर रही थी तो उनसे कहने लगे, देवियों जरा अलग हट जाइए, हमको पूजा के लिए थोड़ा जल लेना है। उन्होंने कोई अपमान नहीं किया, बस इतना कहा और उनको हटाकर और उस कुएं से जल लेकर पूजन का और वापस आ गए। पर ऋषि पत्नियों को इतने में गुस्सा आ गया कि देखो गौतम ने कुआं बनवाया है, गौतम ने इसमें जल भरा है, गौतम की तपस्या से जल आया है, इसलिए कितना अभिमान है गौतम ऋषि को कि अपने शिष्यों को भी भेजकर पहले पानी भरवा लेता है, हम इतनी देर से खड़े हैं लाइन में और हमको मिला ही नहीं। बोली शंकर भगवान की। उनकी पत्नियों ने जब ऋषियों से जाकर कहा, कहा गौतम है तो अच्छा परंतु ऐसा व्यवहार किया, बिना विचारे ही उन ऋषियों ने भगवान गणेश जी की तपस्या की। गणेश जी प्रकट हुए, गणेश जी ने कहा ऋषियों मुझे क्यों बुलाया, ऋषियों ने कहा प्रभु हमारे यहाँ गौतम को अभिमान हो गया है इसलिए आप हमारी एक बात मानो। बोले क्या? बोले आप गाय बन जाओ और गौतम के हाथ से मर जाओ। बोले तुमने तपस्या की है तो तुम यही वरदान चाहते? बोले हाँ यही वरदान चाहते हैं। कभी कभी हम लोग तपस्या के फल में भगवान से बहुत गलत चीजें मांग लेते हैं जो हमारे हित में नहीं है। बोली शंकर भगवान की। इसलिए भगवान से हमेशा ये कहना चाहिए कि हे प्रभु वही मुझे दीजिए जिसमें मेरा हित हो, वही मुझे कृपा करिए जिसमें मेरा हित हो, बस इतने में भगवान सब कर देंगे, फिर आपको अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब गौतम ऋषि के लिए भगवान गजानन ने वरदान दिया तो गजानन बने गैया
और गैया बन के गौतम के आश्रम में घुस गए तो गौतम ऋषि ने एक छोटा सा लकड़ी का ऐसे तिरखला पड़ा था कुशा का, उस कुशा का लंबा तिरखला मात्र उठाकर और गौ माता को घेरने के लिए आगे के आश्रम से बाहर जाओ मैया करके जैसे आए तो तिरखला गौ माता से टच हुआ और गौ माता मर गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आजकल तो खैर बहुत जोर जोर से गौ माताओं को मारते हैं लोग अगर उनका नुकसान करते हैं तो, पर ये गौतम ऋषि ऐसे नहीं थे। लेकिन चूंकि इन सारे ऋषियों ने तपस्या करके यही गणेश जी से मांगा था इसलिए केवल कुशा के टच करने से ही वो गजानन बने हुए गौ माता मर गए। इधर गौ माता का मरना था कि ऋषि घबरा गए, अरे क्या हुआ मैया को पानी पिलाओ, पानी पिला रहे सब कर रहे हैं पर वो तो प्राण छोड़ गए। ऋषि तो देख नहीं चाह रहे थे, इस अवसर में बैठे ही थे, तुरंत सारे ऋषि वहां आ गए। अरे ये तो गो का हत्यारा हो गया, गो का हत्यारा हो गया, ऐसा कह के गौतम ऋषि को वहां से कहा कि तुम इस नगर को इस जगह को छोड़ के जाओ, भग जाओ, तुम ब्रह्म हत्या हो, तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम ऋषि नहीं रहे, तुम तो गो के हत्या वाले हो गए, तुम पे गो हत्या का पाप है, पहले इसको मिटा के आओ तब तुम इस स्थान पर आना। ऐसा षड्यंत्र करके सारे ऋषियों ने गौतम ऋषि को उनके आश्रम से ही निकाल दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। तब ये गौतम ऋषि अपने शिष्यों के कारण, जबकि ये गौतम ऋषि की भी गलती नहीं थी, फिर भी बेचारे गौतम ऋषियों ने आज्ञा स्वीकार की सारे ऋषियों की और वो वहां से कुछ दूर मतलब यहाँ पर आ गए त्रंबक स्थान पर, और यहाँ आकर उन्होंने भगवान शंकर की उपासना की, तपस्या की, और तपस्या जब फलीभूत हुई तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। जैसे ही शंकर भगवान प्रकट हुए गौतम ऋषि ने कहा प्रभु मेरे हाथ से गो का वध हो गया इसलिए मुझे क्षमा करिए और मेरे अपराध के इस दोष को निवारण करिए। शंकर ने कहा अरे गौतम तुम्हारे हाथ से कोई गाय नहीं मरी थी, अरे तुमने जिसको मारा वो तो गजानन था, ये सारे ऋषियों के षड्यंत्र के कारण तुमको इतना कष्ट हुआ है और तुमको अपना आश्रम तक छोड़ के आके यहाँ तपस्या करना पड़ी, अभी रुको मैं उन सारे ऋषियों को दंड देता हूँ। ऐसा भगवान उग्र स्वभाव में आए थे कि गौतम ऋषि ने पांव पकड़ लिए, कहा प्रभु उन ऋषियों को कुछ भी कष्ट मत दीजिएगा, अरे वो ऋषि तो मेरे लिए देवता हैं क्योंकि आज उनके कारण आप मुझे प्राप्त हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। देखो ऐसी भावना होनी चाहिए, जिसने घर से निकाल दिया सारी तपस्या, स्वयं ने तपस्या का फल से कुआं खोदा वो कुआं छोड़ना पड़ा, जल छोड़ना पड़ा, आश्रम छोड़ना पड़ा, तपस्थली छोड़ना पड़ी, शिष्य छोड़ना पड़े, सारे को भगा दिया गया, निकाल दिया गया, फिर भी जब भगवान दंड देने की बात कही तो कितना संत का हृदय होता है कि प्रभु दूसरों को कष्ट मत, उनके कारण तो आप मुझे मिल गए, यही मेरे लिए बड़ी कृपा है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप हमेशा मेरे सामने इस रूप में प्रकट हो जावे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसलिए कुछ ही दूर तपस्या करने के प्रभाव से गोदावरी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर प्रकट हो गए। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। और उसके पहले कहा क्योंकि जब तपस्या की गौतम ऋषि ने तो पहले ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी उसकी तपस्या देखकर चले गए, बोले नहीं मेरे पापों का संहार शंकर से होगा। फिर भगवान विष्णु आए, फिर भगवान शंकर आए, क्यों? क्योंकि इनकी तपस्या इतनी तगड़ी थी। तीनों देवता आने के कारण भगवान से जब आशीर्वाद मांगा कि दोनों भी देवता मेरे लिए आए थे, वो भी मेरे लिए प्रत्यक्ष रूप थे, इसलिए आप तीन ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरे उपस्थित हो जाओ। इसलिए वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ज्योतिर्लिंग बनकर छोटे छोटे और उस त्र्यंबकेश्वर में स्थापित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए आप जाएंगे तो वहाँ आपको ऊपर बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं दिखेगा, मुखौटा रखा रहता है, लेकिन अंदर हाथ फेरेंगे अगर जलाधारी में तो उसमें छोटे छोटे तीन शिवलिंग। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की। भगवान का नवा अवतार वैद्यनाथ भगवान का अवतार है जिसको वैद्यनाथ भी कहते हैं, इनके भी बहुत जगह अपवाद हैं, दो दो शिवलिंग इनके भी पाए जाते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र वन को, परली वन को, कुछ लोग बिहार में वैद्यनाथ धाम
दोनों को ज्योतिर्लिंग मानते हैं, लेकिन इसमें शंकराचार्य आदि यही प्रमाण देते हैं कि जो उधर है वो वैद्यनाथ धाम है। बोली वैद्यनाथ भगवान की जय। इनकी कथा तो आपने सुनी रखी है, इसलिए इनकी कथा को सूक्ष्म कह के आगे बढ़ते हैं कि रावण गया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, कहा कि चलो मैं आपको लंका लेकर चलूंगा, मेरी लंका में वास करो। रावण की तपस्या से भगवान ने उसको एक शिवलिंग दिया। बोले लंका तो चलेगा, लेकिन बीच में कहीं मत रखना। अब कैलाश पर्वत से वो पैदल चलकर आया, अब कहाँ शिवलिंग रखा उसने, इसका प्रमाण जो शास्त्र में है वो तो ऋषि मुनि बताते हैं, संत बताते हैं, शंकराचार्य आदि भगवान बताते हैं। तो जैसे ही वो रावण उस शिवलिंग को लेकर आया, तो रावण भगवान शंकर ने कहा इसको बीच में मत रखना, नहीं तो जहाँ रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। उसके लिए बहुत सारी कथाएं, कभी भगवान का नहीं आए हैं, राम के अंशावतार भगवान गजानन ने एक बार रावण को बुद्धि भ्रमित किया है, ऐसे अनेक कथाएं आई हैं। लेकिन वहां भगवान गजानन ने आकर और रावण की बुद्धि को भ्रमित किया, उसको लघु शंका लगी, वो भगवान गजानन के हाथ में शिवलिंग थमाकर चला गया, और जैसे गया भगवान वही उतर वही रखकर अदृश्य हो गए। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि जैसी जैसी भक्ति, भगवान भी उसको वैसे ही फल देते हैं कि तू भगवान को बिल्कुल सिर पे चढ़ा के हिला डुला के जबरदस्ती लेके आया ना शिवलिंग, तो ले हम भी तेरे साथ जबरदस्ती यहीं स्थापित करवा देते। बोलो वैद्यनाथ धाम भगवान की जय। भगवान का नवा ज्योतिर्लिंग, दसवा अवतार है नागेशम दारुकावने। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। दारुक और दारुका नाम के एक राक्षस राक्षसी थे। दारुका पर्वत पार्वती की कृपा से वन को कहीं भी ले जा सकता था, ऐसा उसमें सामर्थ्य था। महर्षि ओरव के पास परेशान मानवों को, परेशान सारे मानव ओरव के पास आए, कहा हम ये दारुक और दारुका से बहुत परेशान हैं, ये वन को इधर उधर घुमाते रहते हैं, कभी इधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं, हम लोग बहुत इनसे तकलीफ में हैं, हमारे ऊपर कृपा करो। तब ऋषि ने शाप दिया कि पृथ्वी पर युद्ध करोगे तो मारे जाओगे। जब दारुका और दारुक को मालूम हुआ कि हमको ओर्व ने श्राप दे दिया है, तो वो दोनों राक्षस राक्षसियों ने वहां देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों का ने देखा कि अब क्या करें, तो इनसे कहा कि भैया पृथ्वी पर तो हम मारे जाएंगे, हम समुद्र में एक वन बना देते हैं। तो उन्होंने 20 समुद्र में एक वन बनाया, वो वन बनाया, वहां मनुष्यों का को बंदी बनाकर ले जाने लगे। उसी में एक सुप्रिय नाम के भगवान शिव के भक्त को भी उन्होंने बंधन में डाल दिया। उस शिवप्रिय भक्त ने जेल में ही भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन की, उस पूजन के प्रभाव से भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय।